एफआईए ने शांदाना गुलजार केस में स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया, नोटिस की कॉपी भी भेज दी गई है। खत के मतन के मुताबिक शांदाना पर रियासत और हुक्मरानों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है। खत का ये मतन है, NAT से रुकने कौमी असेंबली के खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है, आपको अपडेट करेंगे। FIA हुकाम के मुताबिक दो नोटिसेस पर रुकने असेंबली पेश ना हुई तो मुकदमा दर्ज करेंगे। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं, आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आमिर नवीद चौधरी, बताएगा खत जो लिखा गया है उसका क्या मतन है, FIA का क्या कहना है? जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर लाहौर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि शांदाना गुलजार जो रुकने कौमी असम्बली है NA 30 से, उनके खिलाफ FIA में एक इंक्वायरी चल रही है, जिस पर इन्हें नोटिस भेज दिया गया है। और शांदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब किया गया और शांदाना गुलजार को दो नोटिस भेजे जाएंगे। अगर दो नोटिस पर वो ना आए तो FIA इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जराये ने का बताना है कि आज स्पीकर कौमी असेंबली को FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर लाहौर से ये लेटर डिस्पैच कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।